मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, अपने आंसू के हथियार बनाने वाले, हमको बेकार समझते हैं सियासतदान, अगर हम ही हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8, तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो हमेशा असत्य पर विजय हासिल करता है, सत्य जो कभी झुकता नहीं, रुकता नहीं, कभी कमजोर पड़ता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। कांग्रेस की मजबूरी, राहुल क्यों जरूरी, बागियों की फांस, सत्ता की आस, कांग्रेस काउंटडाउन। कांग्रेस के एक मजबूत नेता गुजरात में हार्दिक पटेल हैं, वो आज चले गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में आ गए। ऐसा पिछले काफी समय से हो रहा है, बड़े बड़े मजबूत नेता लगातार जाते जा रहे हैं, कांग्रेस हार रही है, कांग्रेस की हालत जो है वो कमजोर होती जा रही है। इस सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि कांग्रेस की हार के या इस हाल के 10 बड़े कारण क्या है। कांग्रेस का परिवारवाद को सबसे बड़ा कारण माना जाता है। दूसरा कारण है कि गांधी परिवार की वंशवाद नीति, और उससे भी महत्वपूर्ण बात है दरबारी परंपरा का बोलबाला, जो अभी आप देख रहे हैं राहुल और जो लोग हैं उनके साथ के राज्यसभा के जो चुनाव हुए उसमें भी चर्चा होती थी। राहुल की नाकाम छवि, राहुल गांधी जो इस समय पार्टी के नेता हैं उनकी नाकाम छवि भी बहुत असर डाल रही है, और क्षत्रपों का सफाया हुआ है, मतलब जो राज्यों में जो नेता हैं वो साफ हो गए हैं, वहाँ पर कमजोर लीडरशिप वहाँ पर दिखाई दे रही है, और जो मजबूत नेता थे उनको केंद्र की जो लीडरशिप है उसने दूर कर दिया है। ये 5 बड़े कारण हैं जो दिखाई दे रहे हैं आपको। एक और बड़ा कारण है जो किसी भी संगठन किसी भी पार्टी के लिए बड़ा माना जाता है, वो है कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। दूसरी बात जिसके लिए लोग आलोचक जो कहते हैं वो है न्यू इंडिया के फॉर्मेट से दूर है कांग्रेस। कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही कि हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, ये नया इंडिया क्या है, उस सोच से दूर है। एक बड़ी बात, कांग्रेस के लिए सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति के आगे कांग्रेस विफल रही है, फेल रही है, वो उनका मुकाबला नहीं कर पा रही। चुनावों में गलत नेताओं का चयन किया जा रहा है, उससे लगातार कांग्रेस हार की तरफ बढ़ रही है। और एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो अंतिम है लेकिन महत्वपूर्ण है, महिलाओं युवा वर्ग को साथ में ना ला पाना। युवा वर्ग जो है, यूथ जो है हिंदुस्तान का, वो पॉलिटिकल पार्टी का भविष्य तय कर रहा है। आपने देखा होगा दिल्ली में, हिमाचल में, तमाम जगहों पर अलग अलग पार्टी यूथ पर फोकस कर रही है, लेकिन कांग्रेस के साथ यूथ लीडरशिप, यूथ कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ता नहीं आ पा रहे। ये 10 बड़े कारण हम लोगों ने बताए हैं आपको, कार्यकर्ताओं के नज़रअंदाज करना, न्यू इंडिया के फॉर्मेट को से दूर रहना, मोदी की रणनीति के आगे विफल होना, चुनावों में गलत नेताओं का चयन, और महिला और युवा वर्ग को साथ नहीं ला पाना। अब बात करते हैं कि कांग्रेस की 2012 में क्या स्थिति थी और 2022 में क्या स्थिति है। देश में 2012 में बीजेपी की नई लीडरशिप का उदय हुआ, ये वही दौर था जब कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथ में आई। आपको 2012 की तस्वीर दिखाते हैं, जब देश के 11 राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। ये कांग्रेस की जो सरकार है, ये हरा जो रंग दिख रहा है ये कांग्रेस का रंग है, जहां पर 11 राज्यों में उनकी सरकार थी। वहीं 2 राज्यों में केरल और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन के साथ सरकार में थी, जबकि बीजेपी सिर्फ 5 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा तक सीमित थी। वो आपको जो भगवा रंग है वो 5 राज्यों में दिखाई दे रहा है। तो 11 राज्यों में कांग्रेस की सरकार, 2 राज्यों में कांग्रेस से जुड़ी हुई सरकार मतलब गठबंधन की सरकार, और 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। पंजाब, बिहार और झारखंड में बीजेपी सत्ता के गठबंधन में थी, यानी वहां पर गठबंधन के साथ सरकार में थी। वहीं देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में समाजवादी पार्टी सत्ता में काबिज थी, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों संघर्ष कर रही थी।
अब बात करते हैं 2022 की, यानी आज की तस्वीर क्या है। 2012 की तस्वीर आपने देख ली, अब 2022 की, यानी 10 साल बाद की। आज कांग्रेस सिर्फ दो राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता में है, सरकार में है, जबकि महाराष्ट्र झारखंड में गठबंधन सरकार की साथी है, यानी कुल मिलाकर 4 राज्य। वहीं बीजेपी 12 राज्यों गुजरात हरियाणा मध्य प्रदेश कर्नाटक असम अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड गोवा मणिपुर की सत्ता पर काबिज है, सरकार में है, और बिहार नागालैंड मेघालय पुदुचेरी में सत्ता में भागीदार है। वहीं 10 राज्य ऐसे भी हैं जहां ना कांग्रेस है ना बीजेपी है। ये 10 राज्य अलग हैं, उनमें हैं पंजाब उड़ीसा दिल्ली केरल पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश तेलंगाना सिक्किम मिजोरम तमिलनाडु। तो इस तरह से आज की तस्वीर ये है कि कांग्रेस सिर्फ दो राज्यों में है, दो राज्यों में गठबंधन में है, भारतीय जनता पार्टी 12 राज्यों में है। तो तस्वीर पूरी तरह से उलट गई है 2022 में। आजादी के बाद देश में सबसे लंबे वक्त तक, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया। नए भारत की नींव से आधुनिक भारत के निर्माण तक की दिशा जिसको देने में कांग्रेस ने मदद की, कांग्रेस ने दिशा दी नेहरू के दौर से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक, और फिर सोनिया और राहुल का दौर आया। अब ये नेहरू का दौर देख रहे हैं, जब उसमें 1952 में 364 सीटें थी कांग्रेस के पास, वोट शेयर 45% था। 1957 में और बढ़ 371 हो गया, 1962 में 361 था। ये नेहरू का दौर था जब 45% के करीब करीब वोट शेयर कांग्रेस का रहा था। फिर आया इंदिरा राजीव का दौर, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का दौर, 1971 में 362 सीटें, केवल 1977 था जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए उसमें 154 सीटों पर सिमट कर रह गई थी कांग्रेस। फिर 1980 में उसने वापसी की और 353 सीटों पर आ गई, 42% वोट उसको मिला। और 1984 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद, तो अब तक देश के इतिहास में सबसे बड़ा बहुमत कांग्रेस ने हासिल किया 415 सीटों पर, मतलब देश का सबसे ज्यादा बहुमत वाले प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी। और अब देखिए सोनिया और राहुल गांधी का दौर, 1998 में 141 सीटों पर सिमट गई नरसिम्हा राव के बाद, 114 सीटों पर 1999 में हो गई और कम हो गया। 2004 में जब उसकी सरकार बनी तब भी 145 सीटें उसको मिली, 2009 में 206 सीटें बढ़ गई, लेकिन वोट शेयर भी देखिए आप 25% 28% रहा। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए उनके सामने कांग्रेस अपने सबसे कम सबसे निचले दौर पर पहुंच गई, जब 44 सीटें मिली और 19.4% वोट मिला। और 2019 में जब चुनाव हुए तो उसके पास 52 सीटें थी, वो भी सबसे कम सीटें, और 19.5% उसका वोट था। हार्दिक पटेल जब कांग्रेस में थे तो बीजेपी पर जमकर बरसते थे और किसी भी मौके पर वो बीजेपी की कमियां गिनाने से पीछे नहीं हटते थे, चुपते नहीं थे। लेकिन अब यानी आज बीजेपी ज्वाइन करते ही हार्दिक पटेल साहब के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं हार्दिक पटेल का रिएक्शन जब उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा हुआ था, और एक रिएक्शन अब का है जब उन्होंने अपने हाथ में कमल थाम लिया है। उनका हार्दिक स्वागत हुआ है बीजेपी में। युवाओं के लिए किसानों के लिए ज्यादा काम करना है, पार्टी में रहकर अच्छा काम कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। और मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं उस पार्टी में ज्वाइन हुआ हूँ जिस पार्टी का नेतृत्व पूज्य महात्मा गांधी ने भी किया है, सरदार पटेल ने भी किया है, और पंडित नेहरू ने भी किया है। आज उस पार्टी में काम करने का मुझे अवसर मिलेगा, ज़्यादा काम करने का अवसर मिलेगा, और मैं गुजरात के साथ साथ देश के प्रमुख मुद्दों पर देश के हित के लिए काम करने का प्रयास करूँगा। हित, प्रदेश हित, जनहित एवं समाज हित के इस भगीरथ कार्य में आगे बढ़ने के लिए आज से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्र सेवा का काम चल रहा है उसमें छोटा सा सिपाही बनकर काम करने के लिए आज से एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि राम सेतु के इस कार्य में या जनहित के इस कार्य में या राष्ट्रहित के इस कार्य में जितनी भी मेरी जिम्मेवारी होगी, मेरी जितनी जिम्मेवारी तय की जाएगी, उस हिसाब से माँ भारती की सेवा में, सरदार और गांधी के इस गुजरात की सेवा में,
और जिन समाज ने हमें इतना बड़ा बनाया है उनकी सेवा में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करेंगे। ये राजनीति का अंदाज है, हवा के साथ मौसम बदलता जाता है और सुर भी बदलते जाते हैं। इस पर चर्चा करेंगे आज के खास मेहमानों से, आपको रूबरू कराएं। उससे पहले आपको बताते हैं हमारे आज के पोल का सवाल। आज के हमारे पोल का सवाल है कि क्या नेतृत्व बदलने से कांग्रेस का लौटेगा जनाधार, क्या लीडरशिप बदलने से कांग्रेस का जनाधार बन सकता है। आप अपनी राय हमें हमारे ट्विटर हैंडल न्यूज इंडिया 24/7 पर दे सकते हैं, ट्वीट करके भी आप राय दे सकते हैं, हम उसे शामिल करेंगे हमारे शो में और शो के आखिर में आपको इस पोल का नतीजा दिखाएंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं कांग्रेस के सचिव और गुजरात के प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ साहब, मेरे सहयोगी आशिफ इकबाल भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात हो पाए। वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज बहुत अच्छा दिन तो नहीं था लेकिन आपके साथ बात हो रही है तो गुजरात से ही शुरू करनी पड़ेगी। हार्दिक स्वागत आपके, जो हार्दिक पटेल साहब हीरो थे, कार्यकारी अध्यक्ष थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी में चले गए। हालांकि आपके लिए शायद नई बात नहीं होगी क्योंकि रोजाना कोई ना कोई जाता ही रहता है। कैसे देखते हैं आप हार्दिक पटेल का जाना और गुजरात के चुनाव? वीरेंद्र जी आपको आवाज मिल रही है? जी। हार्दिक पटेल का जाना जो है वो कांग्रेस कैसे देख रही है? गुजरात के चुनाव करीब हैं और उसमें आपका एक मजबूत लीडर, पता नहीं आज मजबूत है कि नहीं, कल तक मजबूत लीडर थे शायद वो कांग्रेस के, तो वो चले गए हैं बीजेपी में, उससे कैसे आप देख रहे हैं? देखिए जहाँ तक हार्दिक पटेल जी की बात है जी, उनका राजनीतिक फैसला ये उनका व्यक्तिगत फैसला है जी, और जहाँ तक मजबूती की और सशक्त जगह पर उनको बिठाने का काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया जी, तो मजबूत जगह को छोड़कर के हार्दिक जी गए हैं, मैं समझता हूँ ये उचित होगा उनके परिप्रेक्ष्य में कहना। आप देख सकते हैं कि पाटीदार आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी साथी सहयोगी रहे, क्योंकि केवल मात्र आंदोलन जो है एक व्यक्ति से आंदोलन नहीं खड़ा हुआ जी, ये सामूहिक रूप से साथियों का एक कलेक्टिव प्रयास होता है जब एक इतना बड़ा आंदोलन कोई की जाती है जी। एक भी साथी जो आंदोलन से जुड़ा हुआ था वो आज भी हार्दिक जी के साथ नहीं गया, तो हो सकता है कोई उनकी व्यक्तिगत मजबूरी हो, क्योंकि 10 तारीख तक भी आपको ध्यान होगा दाहोद में ऐतिहासिक रैली जी आदरणीय राहुल जी की हुई और हार्दिक जी के साथ मंच पर मैं रहा और काफी देर तक चर्चा उनसे होती रही जी, और मंच पर भी उन्होंने भाषण दिया राहुल जी की प्रेजेंस में जी, तब भी कोई ऐसा विषय सामने नहीं आया जिससे ये झलकता हो कि उनको कोई नाराजगी पार्टी से जी। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि कांग्रेस को अपने घर की खबर नहीं रहती कि जो आपके साथ बैठा है वो कब सीट बदल लेगा, कब बस बदल लेगा, ये पता नहीं है? देखिए कांग्रेस कोई सीआईडी करने वाली पार्टी नहीं है। अब किसी के मन में क्या चल रहा है जी, किसी के मन में क्या डर है उसकी सीआईडी तो हम लोग नहीं कर सकते जी। जहां तक मुझे व्यक्तिगत जानकारी है मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दबाव मतलबों को लेकर के था जिसकी वजह से हार्दिक जी ने कदम उठाया, और ये कोई नई बात नहीं है, इतिहास में आपने देखा होगा तब वीर सावरकर के ऊपर भी इसी प्रकार का दबाव जो है अंग्रेजों ने जब बनाया था जी, तो तुरंत उन्होंने आजादी के आंदोलन को छोड़ने का काम किया था। हो सकता है सर जी आपकी बात से मैं समझ रहा हूँ, आपने कहा कि मन की बात तो कोई नहीं जान सकता, लेकिन क्या ये कारण भी हो सकता है कि आपने कभी मन की बात जानने की कोशिश नहीं की? कांग्रेस लीडरशिप में के लिए बार बार ये कहा जाता रहा है, जो लोग कांग्रेस छोड़ के जाते हैं वो ये कहते हैं कि मन की बात आप नहीं सुनते। देखिए मैं हमेशा एक बात को बोलता हूँ जी, कि माँ के गर्भ से जब भी कोई बच्चा पैदा होता है जी, तो
को पैदा होते ही दौड़ने नहीं लगे जी, इसलिए वो एक उचित समय पर ही जो है एक अच्छा धावक बनता है उचित उम्र में ही। तो वक्त से पहले अगर उसको ओलंपिक में दौड़ा दिया जाए तो वो कामयाब नहीं होता जी। तो ये गलती मैं समझता हूँ कांग्रेस से रही कि बहुत छोटी उम्र में एक ऐसे पद पर उनको बिठाने का काम पार्टी के द्वारा किया गया जिसके लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सालों साल संघर्ष कर कार्यकारी अध्यक्ष तो इस गलती की जिम्मेदारी क्या लीडरशिप की है? आप देखिए कई बार गैर तजुर्बेकार हाथों में अगर आप किसी को जिम्मेदारी दें तो इस प्रकार के नतीजे सामने आते हैं। और मैं समझता हूँ कि एक जो मजबूत लीडरशिप क्वालिटी दिखती थी हार्दिक पटेल की वो कहीं ना कहीं एक छोटे से दबाव मात्र कुछ केसों के दबाव से वो तार तार होती नजर आई। तो मुझे लगता है कि जो है कांग्रेस पार्टी को कोई बड़ा नुकसान भारतीय जी भी जान सकती जी कि कांग्रेस राठौर साहब मैं आपके पास आता हूं, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशिफ इकबाल साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशिफ कांग्रेस को बहुत गहराई से जानते हैं और मुझे लगता है कि वो बहुत सारे नेताओं के मन की बात को भी जानते हैं। आशिफ, ये मन की बात को नहीं जानना और मन की बात को नहीं सुनने में क्या फ़र्क है? क्या इस दोनों के फर्क की वजह से कांग्रेस आज इस हाल में है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि साफ तौर पे जैसा आपने भी कहा और जैसे सामने वीरेंद्र राठौड़ हैं, बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, इस समय इनके तेज तर्रार काम को ही देखकर इनको गुजरात का सह प्रभारी बनाया गया है, क्योंकि गुजरात स्टेट कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप समझ सकते हैं कि इस वक्त कह सकते हैं बहुत दावे से विजय जी कि गुजरात सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुजरात से होकर ही अब देश की सीढ़ियां तय हो रही हैं, देश में दशा और दिशा तय हो रहा है, तो इसलिए गुजरात बहुत अहम हो गया है। और इसीलिए हम आज चर्चा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से गुजरात के पाटीदार नेता है, बहुत बड़े नेता माने जाते थे जब तक वो पाटीदार आंदोलन और बिना किसी पार्टी के थे, तो उनकी ताकत बहुत बड़ी थी, धारदार थी, और मानते थे कि वो उनको रोकने के लिए मुख्यमंत्री तक को इंटरफेयर करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो कांग्रेस पार्टी में आए तो उन्होंने कहा कि वो जो उनकी जो सोच थी, जो खासतौर पर जो हार्दिक पटेल जो सोच के आए थे, जो उन्होंने सोचा था कि बहुत बड़ी चीज़ें हम कर लेंगे और हम भी बड़े चेहरे हो जाएंगे, हमको कांग्रेस अपना चेहरा घोषित कर देगी, तो ये तमाम, क्योंकि देखिए आप भी समझ रहे हैं ये बहुत अच्छी बहुत बेहतर तरीके से कि हर राजनीति में जो भी आया है वो यहाँ पे सिर्फ कहने के लिए, जनसेवा के लिए आया है, सबको यहाँ सेवा करना है और सेवा का अपना जो लाभ लेना चाहते हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें, देखिए कांग्रेस में एक बात साफ होता है, कहीं भी चीज़ें तय होती है कि अगर कुछ कमियाँ ना हो, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम ना हो, दिक्कतें ना हो, तो फिर उसका समाधान नहीं ढूंढते। और अगर इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं लगातार एक एक करके और सभी लोग दूर होते जा रहे हैं, तो वजह तो है, लेकिन हाँ ये भी उतना ही तय है कि आप एक बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, यही भारतीय जनता पार्टी है, जब दो सांसदों की पार्टी थी और धीरे धीरे आज सिलसिला ये हो गया कि आज देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। तो इसके पीछे ये रहा कि जब इन्होंने अपनी रणनीति बदली, अपनी रणनीति में बदलाव किया, अपनी चीज़ों को समझा और अपनी ताकत को पहचाना, इसकी वजह से रणनीति बदल के दो सांसदों वाली पार्टी 303 पे पहुंच जाती है और रणनीति नहीं बदल के 415 से 52 सीटों पर आ जाते हैं आप। बेशक तो यही कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसमें एक चीज़ और भी होता है जी, क्योंकि आप इन चीज़ों को हम लोगों से ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि जब आपका अच्छा वक्त होता है तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए साथ जुड़ जाती हैं और फिर वो जो चीज़ें सिलसिला होता है तो फिर वो आगे बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे ही आपके वक्त ख़राब होते हैं तो सबसे पहला आपको याद होगा और ये बात आप बहुत बेहतर जानते हैं कि सबसे पहले आपके नाव पे चढ़ने वाले सवारी जो होते हैं वो सबसे पहले कूद कूद कर किनारे बढ़ जाते हैं, फिर वो नाव में छेद करने वाले भी आपके साथ होते हैं और नाव आपको खेवनहार भी आप ही के साथ होता है। तो इस वक्त कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी बात यही, ये अच्छी बात आपने कही है, मैं वीरेन जी से इस पर ज़्यादा ज्ञान हासिल करूंगा कि कौन छेद करने वाले हैं और कौन कूदने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में इस वक्त कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा है, चरम पर है, पार्टी का हर नेता अपने लिए नए घर की तलाश में लगा हुआ है, जिसका मामला सेट हो रहा है वो कांग्रेस से किनारा कर रहा है और जो बचे हैं वो गाहे बगाहे बयानों से भड़ास निकाल रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है कांग्रेस का कन्फ्यूजन। कांग्रेस का कन्फ्यूजन है राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, ये कांग्रेस का, राहुल गांधी का ये अभी मुझे नहीं पता।
महिलाओं को साथ लाने के लिए क्या प्रियंका जरूरी हैं? पार्टी में बागी हो रहे नेताओं को कैसे मनाया जाए, ये एक बड़ा कंफ्यूजन है। पार्टी संगठन शहर हर गांव तक कैसे पहुंचे, इसकी चर्चा हो रही है। पार्टी में जो आपसी टकराव है उसको कैसे खत्म किया जाए, ये भी एक बड़ा मुद्दा पार्टी में चल रहा है कि पार्टी में जो जारी टकराव है, आपसी टकराव है, उसे कैसे खत्म किया जा सके। राज्यों में पार्टी संगठन में जारी खेमेबाजी को खत्म करना, गुटबाजी इतनी ज्यादा हो गई है हर जगह पर, इतना कंफ्यूजन है कि कौन सा गुट किसके साथ है। 2024 से पहले 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, उस पर कैसे फोकस किया जाना है। इसके अलावा राजस्थान छत्तीसगढ़ में सत्ता बचाने की कोशिश कर रही है। गुजरात मध्य प्रदेश कर्नाटक हिमाचल प्रदेश में वापसी की कोशिश कांग्रेस को करनी है, कैसे करनी है ये देखना है। त्रिपुरा मेघालय नागालैंड तेलंगाना में वापसी की कोशिश भी कांग्रेस करना चाहती है। राठौर साहब, मेरे मित्र आशिफ ने कहा कि कुछ लोग नाव को छोड़कर जा रहे हैं, कुछ लोग नाव में से छेद कर रहे हैं, ये तो बात है। अभी हमने कन्फ्यूजन देखा, तो दो चीज़ें मैं जानना आपसे चाहता हूँ। पहली बात कि क्या प्रियंका गांधी की ज़रूरत अभी है? जो उदयपुर में चिंतन शिविर किया, गुजरात में अहमदाबाद से करीब ही है, चिंतन शिविर में भी प्रियंका गांधी को नेतृत्व देने की, लीडरशिप देने की बात हुई। दूसरी बात हुई कि अब जब नई लीडरशिप होगी तो राहुल गांधी जी को ही अध्यक्ष बनाया जाए, इसमें से कोई कन्फ्यूजन खत्म हुआ है, ये बना हुआ है? इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सर्वमान्य नेता है, और पार्टी में क्या जिम्मेवारी और किस स्थान की जिम्मेवारी उनको भविष्य में लेनी है, ये पार्टी का शीर्ष महत्व तय करेगा। अब इस विषय के ऊपर हम सेल्फ एनालिसिस चैनल पर बैठ करके करें और इस विषय पर डिबेट करें, मैं समझता हूँ हाइपोथेटिकल सवाल है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जिनका इस प्लेटफॉर्म पे मुझे लगता है कि जवाब ना तो पूछा जाना चाहिए ना उसका जवाब दिया जा सकता है, परंतु इसमें कोई दो राय नहीं। सर, ये तो पार्टी में लोग पूछ रहे हैं आपसे, चैनल पे थोड़ी पूछ रहे हैं, पार्टी में पूछ रहे हैं लोग कि लीडरशिप किसको मिले, लीडरशिप में बदलाव को लेकर 3 साल से तो आपके नेता बातचीत कर रहे हैं। देखिए, एक प्रोसेस है पार्टी का, आप जानते हैं कि पूरे देश में संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं जी। अभी मेंबरशिप हमारी खत्म हुई है, हर जिले के अंदर पूरे देश में DROs और PROs की नियुक्ति हुई है हमारा, और ये कोई नई चीज नहीं है, जब से कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ है हम इसी प्रकार की नीति को फॉलो करते हैं, और जब पूरा ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे हमारा संगठनात्मक चुनाव पूर्ण हो जाता है, प्रदेश के डेलीगेट्स चुन करके आ जाते हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स चुन करके आते हैं, तब वो सामूहिक रूप से तय करते हैं कि कौन हमारा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि राहुल जी और प्रियंका जी के अंदर की लीडरशिप में कांग्रेस के तमाम समर्पित कार्यकर्ता जो है पूर्ण रूप से उनको बिलीव करते हैं, बाकी पार्टी की कमान कौन संभालेगा या प्रियंका जी या राहुल जी किस भूमिका के अंदर संगठन को चलाएंगे जी, ये तय संगठनात्मक चुनाव करेंगे। ठीक है, एक जानकारी, अभी जो डेवलपमेंट चल रहा है, राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आज मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। आशिफ साहब मुझे समझा रहे थे पूरे कांग्रेस के विधायक कहाँ कितना है, हरियाणा में क्या है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, हरियाणा के विधायक कहीं और बैठे हुए हैं, राजस्थान के विधायक कहीं और चले गए, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा कि विधायक कहाँ से कहाँ हैं। आशिफ जी मेरे को समझाते समझाते थक गए, आप थोड़ा समझाइए ना क्या है ये। देखिए, पहली बात तो कंफ्यूजन की कोई बात होनी नहीं चाहिए। आज भी हमारे जो विधायक हरियाणा, क्योंकि आज मैं हरियाणा में हूँ, मैं बता सकता हूँ हमारे हरियाणा के विधायक जो है प्रकाश में आप बात कर रहे हैं जी। तो हमने कल भी डिक्लेयर किया है कि ट्रेनिंग जो है हमारे विधायकों की, पिछली बार हरियाणा में जी तो स्थिति उत्पन्न हुई थी जिसकी वजह से काफी चुनाव के परिणाम के ऊपर असर पड़ा था जी। तो इस चुनाव के अंदर कॉशियस वोटिंग हो, विधायकों को प्रॉपर ट्रेनिंग मिले जी, तो 2 से 3 दिन का शिविर जो है वो विधायकों का लगाने का फैसला हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, और उसी संदर्भ में हमारे विधायक हैं, और ये पार्टी का इंटरनल मामला है, मुझे लगता है और कोई नई रीत नहीं। सर, एक
आपसे मैं ये सवाल करूंगा, लेकिन इससे पहले ये आपको जानकारी दें कि राहुल गांधी के हाथों में कांग्रेस पार्टी कमान आने के बाद और पार्टी और लोगों को उम्मीद थी कि वो नई सोच के साथ पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। मुझे ध्यान है 2013 में जयपुर में जब चिंतन शिविर हुआ था तो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन क्या करें, हुआ इसका बिल्कुल उलट। फैक्ट्स जो हैं वो उलट बताते हैं। पार्टी ऊपर जाने के बजाय गर्त में चली गई, नीचे जाती चली गई। अगर राहुल गांधी साहब का रिपोर्ट कार्ड देखें, पॉलिटिकल रिपोर्ट कार्ड देखें, तो 2013 के बाद 59 विधानसभा चुनाव हुए हैं देश में। उनमें से 45 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार हुई है। 59 चुनाव हुए, उसमें से 45 चुनावों में विधानसभा में कांग्रेस की हार हुई और सिर्फ 14 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत हुई। यदि केंद्र का देखें तो 2014 में सिर्फ 44 लोकसभा सीटें मिली और 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 52 सीटें जीती और उसमें भी राहुल गांधी, जो गांधी परिवार की परंपरागत सीट है अमेठी, वो हार गए। आसिफ, एक छोटी सी बात समझा दीजिए मुझे कि राहुल गांधी जी का ये रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। आपको बताऊं कि आपने बहुत ही अच्छी बात है और हम लोगों ने रिसर्च भी किया और हम डिस्कस भी कर रहे हैं। देखिए वीरेंद्र जी, आप भी, आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, हम डिस्कस ये नहीं कर रहे कांग्रेस की कमियों पर विचार नहीं कर रहे, बल्कि कमियों को कैसे सुधारा जाए और इस ये जो स्ट्रक्चर है, जो साफ तौर पर रिपोर्ट है, डाटाज है, इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। इसीलिए हमने आपसे ये आपसे चर्चा कर रहे हैं। विजय जी, मैं एक आपको बता दूं, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और बहुत अहम है, आप भी इस बात को मानेंगे। राहुल गांधी के रिपोर्ट कार्ड फेलवर होने के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है, उनके सबसे नज़दीक रहने वाले लोगों ने उनको सही रिपोर्ट नहीं दी, उनको ग्राउंड रिपोर्ट सही नहीं मिला। वो लोग ऐसे लोग शामिल थे साथ में उनके, क्योंकि कहा जाता है कि देखिए, जो आपके पास वाला अगर आपको नुकसान पहुंचाए तो फिर आप दूर वालों से क्या उम्मीद करेंगे और फिर आपको वो बचना मुश्किल होता है। आप सोचिए आरपीएन सिंह, आप सोचिए जिस तरीके से जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन लोगों को आप विजय जी, इन लोगों को राहुल गांधी ने बहुत प्रिविलेज दिया, इसमें किसी को भी कोई गुरेज नहीं है कहते हुए जी। इन लोगों को कहां-कहां से लाकर राठौड़ साहब चुनाव लड़ा, राठौड़ साहब, और उसके बाद यही लोग सबसे पहले छोड़कर भागते हैं, जबकि पुराने बुजुर्ग नेता विजय जी आज भी वही पड़े हुए हैं, आज भी वही हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े, जिनको मौका नहीं दिया, राज्यसभा भी नहीं भेजा है राठौड़ साहब ने। तो राठौड़ साहब, इसका क्या मायने देखा जाए? आप अभी पहले जिक्र कर रहे थे कि एक गैर तजुर्बेकार को ज्यादा जिम्मेदारी दे देना, मुझे लगा आप राहुल जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हार्दिक पटेल के कॉन्टेक्स्ट में चर्चा होगी, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दो आपने बात की तीन हमारे लीडर्स की, आरपीएन सिंह जी की और दो और हमारे लीडर्स की बात, ज्योतिरादित्य सिंधिया की। देखिए, इनके अलावा भी देश भर में दर्जनों ऐसे लीडर्स हैं जिनको राहुल जी ने यंग एज के अंदर प्रमोट करने का काम, बिल्कुल नई लीडरशिप डेवलप जी। आज उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता, आज राजीव सातव हमारे बीच में नहीं जी, पर वो एक बड़े लीडर के रूप में महाराष्ट्र से उभर गए। ये मौका राहुल जी के लिए एसीसी में खोलने का काम। देखिए, आपको मानना पड़ेगा, कोई युवा लीडरशिप को तैयार करने की नर्सरी कांग्रेस में पिछले 10 वर्षों में तैयार हुई तो वो आदरणीय राहुल गांधी जी। ये मैंने आपको महाराष्ट्र का उदाहरण, आप पंजाब की बात, आज पंजाब में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर राजा 2014 में जी, 2012 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की राजनीति से निकल सर, पंजाब पर क्या बात करें, फिर बहुत सारी बातें। मैं पूरे देश के उदाहरण दे, आपने भी तीन स्टेटों के उदाहरण दिए, मैं देश भर के उदाहरण आपको दे सकता हूँ। देखिए ना, गुजरात की बात करें तो परेश धनानी यूथ कांग्रेस से निकल करके आए और वो लगातार विधायक भी रहे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे। ठीक है, वो अलग बात है कि कुछ चेहरे मीडिया के आप समझते हैं सर, एक छोटा सा जवाब, वक्त नहीं है, एक छोटा सा जवाब, क्या कांग्रेस इंट्रोस्पेक्ट करना चाहती है, तैयार है इसके लिए? असली बात ये है, हर एक पार्टी इंट्रोस्पेक्शन करती है, हम भी कर रहे हैं जी, और हम क्या इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं ये हमारी पार्टी का इंटरनल मामला। हां बिल्कुल ठीक बात कि वो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और मेरा ज्ञानवर्धन किया, आशीष बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर जाने से पहले आज के पोल का सवाल हम देखेंगे एक बार फिर,
आज के हमारे पोल का सवाल है कि क्या लीडरशिप बदलने से कांग्रेस का जनाधार लौट सकता है। आप हमें अपनी राय दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल @newsindia247 पर। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे और आप ट्वीट करके भी अपनी राय दे सकते हैं, हम उसे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का। चर्चा गंभीर है, कांग्रेस को लेकर बात हो रही है, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की चर्चा हो रही है, तो कहीं मत जाइएगा, बहुत छोटा सा ब्रेक है। कांग्रेस की मजबूरी, राहुल क्यों जरूरी, बागियों की फांस, सत्ता की आस, कांग्रेस काउंटडाउन।